गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम ओपी जायसवाल सर, जागरण पब्लिक स्कूल, वाराणसी। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल, दैट इज द गारंटी ऑफ प्रॉफिट। फर्स्टली वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ गारंटी। गारंटी इज एन अश्योरेंस दैट एन एग्जिस्टिंग पार्टनर or an incoming partner will not get his share of profit less than the guaranteed amount. Suppose एक new partner firm में आ रहा है और वो चाहता है कि उसका जो profit है वो fixed हो, तो rest of the partners उसको उसकी जो profit है उस profit को अपनी रेशियो से बियर करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाते हैं। इट मींस दैट इन केस ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटीड अमाउंट, देन ही विल बी कॉम्पेंसेटेड फॉर द डेफिसिट। सपोज अगर जो भी प्रॉफिट फिक्स की गई है उस प्रॉफिट को गारंटीड पार्टनर को नहीं मिल पाता है, तो उस केस में जो भी पार्टनर्स गारंटी दिए हुए होते हैं उनकी प्रॉफिट से उसकी प्रॉफिट को, गारंटीड पार्टनर की डेफिशिएंसी को बियर किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गारंटी मे बी गिवन आइदर बाय। गारंटी कौन दे सकता है? First, by all other partners in agreed ratio / old ratio. सारे partners मिल करके जो भी उनकी ratio agreed होती है या जो भी old ratio होता है उस ratio में guaranteed partner की deficiency को bear कर सकते हैं, या by any one of the remaining partner. In this case, the amount of total deficiency is met by such partner. Suppose किसी एक partner ने agree किया है कि मैं जिस partner को guarantee दी गई है उसकी अगर कोई deficiency होगी तो उसको वह particular partner bear करेगा, तो उस partner के profit से उतने पैसे को, उतनी amount को एडजस्ट करके गारंटीड पार्टनर को दे दिया जाता है। नेक्स्ट, थर्ड, बाय टू आर मोर ऑफ देम रिमेनिंग पार्टनर्स। इन दिस केस द डेफिशिएंसी इज मेट बाय सच पार्टनर्स हु हैव गिवन द अश्योरेंस टू पे इट। सपोज कुछ एक पार्टनर के अलावा और भी पार्टनर्स हैं जो मिलकर के डेफिशिएंसी को बियर करना चाहते हैं, तो इस केस में उन सारे पार्टनर्स की प्रॉफिट से डेफिशिएंसी को बियर किया जाता है। देयर इज अ नोट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द बर्डन ऑफ गारंटी देन द डेफिशिएंसी इज बॉर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कभी कभी हम क्वेश्चन में देखते हैं कि जो भी डेफिशिएंसी हुई है उसको जो भी पार्टनर्स हैं उनको किन रेशियो में उसको बियर करना है ये मेंशन नहीं होता है। उस केस में जो भी पार्टनर्स होते हैं उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उस रेशियो में वो डेफिशिएंसी को बियर करते हैं। होप यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, नाउ there is another note. There is also a clause maintained in the partnership deed about guarantee. Partnership deed जो होती है उसमें इस guarantee की bearance का एक clause बना करके maintain कर दिया जाता है, जिससे in future कोई भी problem generate ना हो। Okay. Now there are some terminology which will used into the question. The first, guaranteed amount.
इट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर विच गारंटी हैज गिवन। गारंटीड अमाउंट वो अमाउंट होती है जो मिनिमम अमाउंट गारंटीड पार्टनर को दी जाती है। एंड द सेकेंड, गारंटीड पार्टनर द पार्टनर टू हूम गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट हैज बीन गिवन। जिस पार्टनर को हम गारंटी देते हैं वो पार्टनर गारंटीड पार्टनर कहलाता है। नाउ द थर्ड, गारंटींग पार्टनर्स, दे आर द पार्टनर्स हु हैव गिवन द गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। ये वे पार्टनर्स होते हैं जो गारंटी को दिए हुए होते हैं। इट मींस दैट इन्हीं की प्रॉफिट से अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो डेफिशिएंसी बियर किया जाता है। देयर इज आल्सो वन नोटिस हियर, इफ गारंटीड पार्टनर गेट्स मोर देन द गारंटीड अमाउंट देन ही विल बी गिवन हिज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट। सपोज फर्म को इनफ प्रॉफिट होती है और गारंटीड पार्टनर को जो भी गारंटीड अमाउंट दिया जाता है उस गारंटीड अमाउंट से उसको ज्यादा अमाउंट ऐसे प्रॉफिट मिलता है, तो उस केस में जो उसको प्रॉफिट मिल रहा होता है वो प्रॉफिट वो उसको वो इजिली एक्सेप्ट कर लेता है। उसको वहां पे कोई कंप्लेन नहीं होता है कि हमारी प्रॉफिट कम हो रही है, क्योंकि उसको गारंटीड अमाउंट से ज्यादा प्रॉफिट मिल रही होती है। दस वी कैन से गारंटीड पार्टनर्स गेट्स द गारंटीड अमाउंट और द एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर। हम कह सकते हैं कि इस केस में गारंटीड पार्टनर गारंटी का अमाउंट या एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट, इनमें इन दोनों में जो भी अमाउंट बड़ा होता है ज्यादा होता है वो अमाउंट गारंटीड पार्टनर को मिल जाता है। होप यहां तक की चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड we will understand it. Okay. There is a question. P and Q were partners sharing profit in the ratio 5:2. दो partners हैं P और Q, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:2 है। ऑन 1st April 2014 दे एडमिटेड अ न्यू पार्टनर आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। एक नया पार्टनर फॉर्म में आता है, आर है, और उसको 1/8 शेयर के लिए इन्वॉल्व किया जाता है इन द प्रॉफिट विथ अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ ₹75,000। और पी एंड क्यू उसको 75,000 की प्रॉफिट देने की गारंटी लेते हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन सेम बट दे एग्रीड टू बियर एनी डेफिशियंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्वेश्चन कह रहा है कि उन दो आफ्टर इन्वॉल्विंग द आर, पी एंड क्यू की जो रेशियो है दैट रेशियो इज 5:2, वो एज इट इज इसको रखते हैं। लेकिन अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, अगर आर का जो 75,000 की प्रॉफिट की गारंटी दी गई है, अगर इस 75,000 से कम आर को प्रॉफिट मिलती है तो दे विल बियर the deficiency in the ratio of 3:2, तब उस deficiency को P और Q 3:2 की ratio में bear करेंगे। The profit for the year ended 31st March 2015 was 4 lakh. उस year में firm को जो profit हुई वो profit 4 lakh rupees की हो रही है। Prepare profit and loss appropriation account for 31st March 2015.
क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और उसमें पी एंड क्यू एंड आर की कैपिटल अकाउंट को शो करना है कि उनकी कैपिटल अकाउंट में कितना पोर्शन प्रॉफिट का ट्रांसफर होगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। फर्स्टली वी विल राइट द हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च 2015। अर्लियर वी हैव डिस्कस दैट फर्स्टली वी विल ट्रांसफर द प्रॉफिट इनटू द पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइट। एक बात हम यहाँ पे ध्यान से समझ लें कि गारंटी के भी क्वेश्चन सेम टू सेम जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है वो ठीक पहले की ही तरह बनता है। तो फर्स्टली वी विल ट्रांसफर द प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ 4 लाख वी विल राइट इन टू द क्रेडिट साइड 4 लाख। ओके नाउ दिस 4 लाख विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर्स ऑफ पी क्यू एंड आर। तो फर्स्टली वी विल सी हियर व्हाट आर द रेशियो। ऑन 1 अप्रैल 2014 दे एडमिटेड आर एज ए न्यू पार्टनर। देर इज अ न्यू एडमिशन एंड आर इज एडमिटिंग। तो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट दैट व्हाट द अमाउंट विल आर गेट। ओके वी विल लुक इन टू द वर्किंग कैपिटल वर्किंग नोट। आर शेयर ऑफ प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट इज 4 लाख एंड द रेशियो ऑफ आर इज 1/8 सो इफ वी विल कैलकुलेट देन द आर शेयर ऑफ प्रॉफिट वी विल गेट 50,000। ओके नाउ वी विल कैलकुलेट द पी एंड क्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। पी शेयर ऑफ प्रॉफिट हम यहां पे देखेंगे कि 4 लाख की प्रॉफिट थी जिसमें 50,000 की प्रॉफिट आर को दे दिया गया। तो हम देखें कि कितनी प्रॉफिट बची हुई है जिस प्रॉफिट को पी और क्यू में बांटा जाएगा। तो इट इज नाउ वी विल गेट द 3,50,000 द रेमनिंग प्रॉफिट आफ्टर गिविंग द आर। 3,50,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 5:2। ओके इट मीन्स दैट 5:7 रेशियो टू पी एंड हियर वी आर गेटिंग द पी शेयर ऑफ प्रॉफिट 2,50,000। नाउ वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ क्यू क्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। इन 3,50,000 वी विल गिव 2:7 बिकॉज द रेशियो ऑफ द क्यू इज 2:7। सो वी आर गेटिंग हियर क्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट इट कम्स 1 लाख रुपीज। ओके नाउ वी विल राइट
the profit into the PL appropriation account. Firstly, we will show the P share of profit. It will be transferred into P's capital account. And P's share is 2,50,000. So we will write here 2,50,000. Now we will write the Q's. Profit transferred into the capital account. It is 1,00,000. हम यहां 1,00,000 लिख देंगे. नाउ वी विल राइट द आर शेयर ऑफ प्रॉफिट. एंड इट इज 50,000. हम यहां पे देख रहे हैं कि आर की जो प्रॉफिट आ रही है वो 50,000 आ रही है, जबकि आर को हमने गारंटी दिया था कि यू विल गेट द 75,000. तो नाउ आर विल कंप्लेन, आई एम गेटिंग द 50,000. ऑल्दो वी हैव डिसाइडेड दैट कि आई विल गेट 75,000. देन द पी एंड क्यू इन द क्वेश्चन वी आर सेइंग सीइंग हियर कि पी एंड क्यू guaranteed to R. If there is any deficiency, they will provide the deficiency in the ratio of 3:2. So first of all, we calculate the deficiency amount. Okay, in working note, we will calculate the deficiency amount. Deficiency of R. 75,000 आर को देने की बात हुई थी, आर को 50,000 ही मिल रहा है. इट मीन्स दैट 25,000 की डेफिशिएंसी बन रही है. इस 25,000 की डेफिशिएंसी को पी और क्यू को बियर करना होगा, बिकॉज इट हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड. It has been already mentioned into the partnership deed. So 25,000 will be bearded by P and Q in the ratio of 3:2. देखते हैं हम calculation करके कि क्या bearance पड़ रहा है. P will bear 25,000 into 3:2 का रेशियो था 3/5 एंड क्यू विल बी अ 25,000 इंटू 2/5. सो पी विल बी अ 15,000 and Q will be a 10,000 rupees. This 25,000 will be given to R. Okay, now we will add from P, he will get 15,000 and from Q he will get 10,000. Now we will see that R
Sarkar is getting 75,000 rupees as a profit, and this profit will be transferred into the partner R's capital account. And P के capital से हम less कर देंगे क्योंकि उन्होंने guarantee bear किया हुआ है और वो 15,000 bear कर रहे हैं, तो हम 15,000 rupees less कर देंगे. And now the profit of P's will be 2,35,000. It will be transferred to R's. Now Q का भी कैपिटल प्रॉफिट लेस होगा, इट विल ऑल्सो ट्रांसफर टू आर, एंड दैट इज द अमाउंट ऑफ 10,000. सो वी विल डिडक्ट द 10,000 इन टू द क्यूज प्रॉफिट. एंड नाउ द क्यूज प्रॉफिट विल बी 90,000. We will total the credit side, and here if you will total, then you will get that 4 lakh rupees. हम इस तरीके से देखते हैं by a numerical question हम guarantee को किस तरीके से treat करते हैं. ये एक अच्छा question था, ये board का question था. I hope that आपको ये गारंटी का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे. इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल टेक सम अदर टॉपिक ऑफ गारंटी एंड वी विल डिस्कस सम मोर थिंग. ओके, थैंक यू.